आजकल एट 9 PM आज का वीडियो जस्टिस फॉर 1984। नमस्कार जी, 5 फुट 6 इंच रॉबिनहुड काफ़ी महीनों से वीडियोस कम बना रहा था, हेल्थ पे फोकस कर रहा था। अब रोज़ आपको मेरा कोई ना कोई वीडियो शाम को 9 बजे यूट्यूब के चैनल आमप्रेस टीवी पर ज़रूर मिलेगा। आज सोमवार है, 17 दिसंबर है। 30 साल की लीगल बैटल के बाद आज दिल्ली की एक कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीनियर लीडर मिस्टर सज्जन कुमार को लाइफ इन प्रिजन की सज़ा सुनाई। सज्जन कुमार 73 ईयर्स ओल्ड हैं, मतलब जब तक वो नेचुरली ज़िंदा रहेंगे वो 1984 राइट्स के लिए अपनी ज़िंदगी बाकी जितनी भी बची है जेल में गुजारेंगे। आज सुबह जब ये खबर आई मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें और घूम रही थी। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 2 महिलाओं को हाईलाइट किया, शाउट आउट जैसे कहते हैं वो किया। एक लेडी का नाम है जगदीश कौर, जिनके टीनेज बेटे को एक मॉब ने ज़िंदा जला डाला, और दूसरी लेडी हैं निरप्रीत कौर, जिनके पिताजी को उन्हीं 1984 राइट्स में एक मॉब ने जला डाला था। जब मैं ये वीडियो शुरू करने लगा था तो मैंने सोचा कि मैं इस लाइन से शुरू करूँगा कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और फिर मैंने सोचा आज उन सब लोगों की जीत है जिनको लगता है कि कोर्ट कचहरियाँ क्या कर लेती हैं। देर इज़ समथिंग कॉल्ड लीगल इंटरवेंशन एंड आई होप इट हैपन्स इन ऑल केसेस वेयर इट्स जस्टली रिक्वायर्ड। इसी वीडियो में आपको एक और बात बता दूँ, एक एडवोकेट है मिस्टर HS फुलका दिल्ली हाई कोर्ट के, वो 30 साल से इसी केस को बिना 1 रुपया भी लिए फ्री में लड़ रहे हैं। कुछ देर पहले जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं शायद पंजाब से, तो उनको दिल्ली बार एसोसिएशन ने मना किया कि आप एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो, आप ये केस अब नहीं लड़ सकते। डू यू नो व्हाट, मिस्टर फुलका ने अपनी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को छोड़ दिया और कहा कि मैं 1984 राइट विक्टिम्स का केस लड़ना नहीं छोड़ूंगा एट एनी कॉस्ट। ऐसे भी वकील होते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जगदीश कौर दीदी और निरप्रीत कौर दीदी जैसे, जो लगे रहते हैं डिस्पाइट थ्रेट्स, डिस्पाइट इंटिमिडेशन, और अपने जस्टिस के लिए, अपने हक के लिए लड़ते रहते हैं। दर्शकों, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन है क्योंकि मॉब लिंचिंग नाम के शब्द अभी बड़े रीसेंट हैं, राइट? क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है और यहाँ पे अब बहुत सारी न्यूज़ जल्दी से सर्कुलेट हो जाती है, लेकिन जो 1984 में हुआ वो एक्चुअल, मुझे, मेरी ज़िंदगी में वो एक्चुअल स्टार्ट था मॉब लिंचिंग का। उसके पहले जाऊँ हिस्ट्री में तो 1947 जब इंडिपेंडेंस हुई तब भी तो मॉब लिंचिंग हुई, और क्या हम 2002 को भी भूल सकते हैं? नहीं। सो मॉरल ऑफ दिस वीडियो, इफ़ यू बिलीव इन समथिंग फाइट फॉर योर राइट्स। इट मे टेक लॉन्ग, चाहे वक्त लगेगा, लेकिन देर है पर अंधेर नहीं है। फिर से आपको याद दिला दूं, रोज रात को 9 बजे मेरा कोई ना कोई वीडियो इस चैनल पे, आमप्रेस यूट्यूब चैनल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आमप्रेस टीवी के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा देना। आपको देश में चलते हुए जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा उसका कोई ना कोई वीडियो, करंट अफेयर्स पे, पॉलिटिक्स पे, स्पोर्ट्स पे, जिस मर्जी चीज़ पे जो मुझे सही लगेगा मैं उसका एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और हाँ,
अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ आर्म प्रेस जिन्होंने इन द लास्ट 3 मंथ्स मुझे ब्लेसिंग्स भेजी हैं कि मैं अपने ब्लड के जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है उससे मैं लड़ सकूं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय जनता.